नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज हम आपको, आप देख रहे हैं ये VCD MP3 है और ये टी सीरीज कंपनी का है और आप इसका मॉडल देख लें तो अगर आपके पास कोई भी DVD या CD पड़ा हुआ है और उसकी ऑडियो अगर सही है तो आप उनमें ब्लूटूथ पैनल लगा करके इसको आप बजा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बजते हैं और आपको 1000-2000 के साउंड जो आप मान लीजिए ख़रीदते हैं तो वो आपकी बच सकती है। तो क्योंकि इसमें ऑडियो IC जो होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि कोई भी ब्रांड जो है अच्छी क्वालिटी की ऑडियो ICR लगा करके बेचती है और साउंड अच्छे सुनने में लगते हैं। इसीलिए आप सिर्फ उसका पैनल लगा करके, ब्लूटूथ का पैनल लगा करके जो है इसको आप बजा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये के खर्च से आप जो है इसको बजा सकते हैं। और देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर हमने सर्किट लगा दिया, क्योंकि मुझे बाहर की पोर्शन में नहीं लगाना था, इसके अंदर सर्किट लगानी थी। आप चाहे तो यहाँ पे इसकी कहीं भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं और कहीं भी आपको जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे अगर इसके अंदर लगाना चाहते हैं वो भी आपको लग जाए। तो चलिए इसको हम आपको पहले साउंड सुनाते हैं, इसके बाद इसको आपको किस तरीके से इसकी वायरिंग हमने किया वो इस वीडियो में आपको हम समझाते हैं। तो चलिए आप डिस्प्ले पे यहाँ पे फोकस करें और देखें इसमें लाइट आएगी और इसमें साउंड भी सुनाई देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लूटूथ का लॉगिन आपको दिख रहा है और आपने साउंड भी सुना। तो चलिए इसको हम पुश करते हैं और आपको FM वगैरह भी सुनाते हैं, जो कि इसमें सिर्फ सनसनाहट की आवाज़ हम आपको सुना सकते हैं। इसकी हमें सिर्फ ब्लूटूथ बजाना था इसीलिए इसके अंदर हम लगा सकते हैं। तो आप जैसे ही इसको पुश किए तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे USA का आ गया है और इसमें FM का भी आ जाएगा। तो आप इसकी रिमोट से FM mode। तो आप इसमें जो है रिमोट से भी काम कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास रिमोट अभी नहीं अवेलेबल है इसीलिए मैं इसको बटन से पुश कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे हम इसकी ब्लूटूथ की कनेक्शन यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब चलिए इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका वायरिंग हमने किया। और आप जो है तो वीडियो को मैं पुश करता हूँ, तब तक यहाँ के सारे नट बोल्ट जो है मैं यहाँ का खोल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो पे बने रहें। तो सारे नट बोल्ट मैंने खोल लिए। तो चलिए अब आपको हम समझाते हैं कि इसकी वायरिंग जो हमने किया वो किस तरीके से वायरिंग किया। तो इसके अंदर हम यहाँ पे पैनल लगाए थे, तो इसकी सर्किट भी आप लगा सकते हैं जो कि इसकी लगी हुई आती है। मुझे यहाँ पे सर्किट नहीं लगाना था इसलिए मैं इसको, तो चलिए इसकी वायरिंग समझाते हैं। तो CD या VCD और DVD किसी में भी आप, CD VCD एक ही होता है, CD और DVD जो भी में लगाना चाहते हैं
तो उनमें सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 वोल्ट की जो सप्लाई आती है वो आपको कनेक्शन करने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑडियो का रहता है जो कि L और R होता है और एक एंटीना का रहता है। तो यहाँ पे जो 5 वोल्ट आते हैं तो आप जो है अगर सीडी में लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 7805 नंबर के यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। और एक 7808 नंबर के आते लगे रहते हैं और एक 7805 नंबर के लगे रहते हैं, दो ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन किस जगह लगा हुआ है। तो जैसा कि आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे 7808 नंबर का यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे 7805 नंबर का यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप इसकी 3 नंबर पिन पे यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं तो यहाँ से आप सीधा ही कनेक्शन 12 वोल्ट पे आप यहाँ पे 12 वोल्ट रहती है और यहाँ इस साइड 5 वोल्ट रहते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा ही कनेक्शन इस पैनल पे कर सकते हैं। जैसा कि इसका यहाँ का कनेक्शन सीधा ही यहाँ आया हुआ है 5 वोल्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ की वायर और एक ग्राउंड, आप देख सकते हैं एक ग्राउंड और यहाँ की एक 5 वोल्ट, आप देख सकते हैं ये वायर आई हुई है। तो ये सीधा ही यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट जोड़ दिया, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ का वायर, देख सकते हैं ये वायर यहाँ जो वायर है ये आई हुई है यहाँ से यहाँ 5 वोल्ट। और यहाँ का ऑडियो सीधा ही बास का जो होता है तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने कनेक्शन किया हुआ है, आप देख सकते हैं बास का यहाँ वॉल्यूम है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे दोनों ऑडियो को एक करके यहाँ पे बास पे आपको जोड़नी है और एक ग्राउंड कर देना है। ग्राउंड आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ग्राउंड है इसकी वायर यहाँ पे ग्राउंड आई हुई है तो यहाँ पे बस। और एंटीना का वायर आपको फ्री रखना है, ये सीधा ही मैंने यहाँ पे बना दिया, आप देख सकते हैं इसकी पिन एक जो है मैंने डिसकनेक्ट कर दिया और यहाँ पे सीधा ही जोड़ दिया। तो ये FM की एंटीना के लिए मैं यहाँ निकाला हूँ जो कि मुझे कहीं भी कटपुट नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक पिन निकालना पड़ा। तो बस आपको इतने ही कनेक्शन करने हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी कनेक्शन आपको नहीं करने हैं। तो चलिए एक बार इसको फिर से ऑन करके आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं इसमें लाइन आ गई है और इस हिसाब से आप इसको बजा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।